Welcome to Time News Studios. You are watching 10 p.m. Bulletin. सिंध के वडेवजीर मुराद अली शाह चवाहे तो सिंध सरकार के बदनाम करण लाए हर तरीको इस्तेमाल किया वो पैसन एवज कारोबार खोलण मरीजन के अस्पतालों में दाखिल कराने जड़ा गंदा इल्जाम लगाया वह सिंध असेंबली के इजलास के खिताब कदे वडेवजीर चयो तो मुकम्मल लॉकडाउन से तनकीद कदड़ बुधाइन त बुख विघे केतरा मू फौत मांग के कोरोना टेस्ट का रिजारे वो दुनिया के कें भी मुल्क में लॉकडाउन खत्म ना किया आवाम कोरोना के मुंह देने लाए रहनी करनी जा तरीका तब्दील कया है। वजीर आजम इमरान खान कोरोना सबब सख्त मुतासिर थे इलाका बंद करण जो इशारो डींदे है तो कोरोना वायरस के पकड़जन का रोके नथो सकजे पर मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन की सट सही न सकंदो बजट में खर्च घटाना पवंदा टैक्स उगाड़ी में 800 अरब की खोट के मुंह डेई रहा हूं यूरोप में अमेरिका की भेट में पाकिस्तान में कोरोना विघे घट फौतगियों थन सिंध में कोरोना गुजरियल 24 कलाकन दौरान 40 हयातियों गिड़काए छड़ियों 1353 नवा केस जाहिर सूबे में मुतासिब मरीजन जो कुल अंग 34,899 थी वो वे वजीर अंग अखर जारी कदे तो कराची में 984 नवा केस सामू आया हैदराबाद में 70 घोटकी में 41 सखर में 26 खैरपुर में 25 जैकबाबाद में 17 लाड़काने में 14 मीरपुर खास कश्मोर में 6 नवा केस है वे वजीर चयो तो 370 मरीजन की हालत गणती जोगी है जैसे त 62 जणा वेंटिलेटर से वजीर आजम की सदारत में हाई पावर प्रमोशन बोर्ड के इजलास दौरान 21 ग्रेड के 25 का वधिक ऑफिसर्स के 22 ग्रेड में तरक्की देने की मंजूरी डीजी एफआईए वाजिद जिया आईजी मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम के भी 22 ग्रेड में तरक्की मिली वही तरक्यू माणींदड़न में चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान फैसल असगर कैप्टन मुनीर आजम असमत ताहिरा अख्तर नजीर बड़ाइच खाकान बाबर डॉक्टर तनवीर कुरैशी सालिहा फारूकी बया शामिल मैडम आज मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर वफाकी वज़रा को छोड़ा गया कि तुम जाओ और यहाँ पर जाकर तहस और नहस कर दो सिद्धू कुमार को और जो ये लोगों की खिदमत कर रही है उनको परेशान करो डिस्टर्ब करो ना करें तो इल्जाम लगाओ जब वो आ गए मैंने और शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक घंटा पहले मैंने तय किया और सीएम साहब से छुप कर हम निकले सीएम साहब को बताए बगैर हम निकले क्योंकि चीफ जस्टिस साहब हमें फोन नहीं देते थे चले गए अली माधव शेख साहब कहीं एक बात कहती है बड़ा महसूस हुआ उस बात से यहाँ से जब आवाज़ उठी उन्होंने कहा तुम गंद मत करो हम तुमसे ज़्यादा गंद करें मैं कहने लगा हूँ कि मैं मानता हूँ कि आप गंद कर सकते हैं पर एक ही चीज़ें आप कर सकते हैं ये सखे में जो फसाद हुआ था वो सारी कॉज हैं हलीम आदिल शेख में फोन करके इंसाइट करता था लोगों को बेन सूबन की भेट में सिंध के अस्पतालों में सब का वधिक सहूलतूं मौजूद हैं सूबाई वजीर सईद गनी सिंध असेंबली के इजलास के खिताब कदे दावा कई तो सिंध में कोरोना जा 50% मरीज सेहतियाब थन वफाक तरफा एक भी वेंटिलेटर ना मिलो सईद गनी चयो तो सखर के क्वारंटीना सेंटर में जो गंद थो उन पोया हलीम आदिल शेख जो हथ है फोन रिकॉर्ड मौजूद है अगर हम अर्थगुरु के ड्रामे को तो हकीकत समझें और कोरोना को ड्रामा समझें तो फिर तो इस तरह के हालात होंगे जिस तरह अब ये बढ़ रहा है इस वायरस को पाकिस्तान में फैलने से रोका जा सकता था लेकिन उसको अहमियत नहीं दी गई इनकी जो बातें सुनकर इनके अपने जो वफाकी लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि इनकी सारी बातें फजूल हैं आप कहेंगे तो मैं सबके नाम के साथ बता दूंगा कि किसने क्या कहा और किस लीडर ने उसके लिए क्या कहा टीवी पे आके राशन को इस तरह घरों तक पहुंचाना है कि नजर ना आए भीड़े नहीं लगानी ये सेंटर नहीं बनाने सर हमने कोविड के फैलाने के कि जिस तरह एहसास प्रोग्राम में लगाए गए एन अगर शऊर से निकाल दें डाल दें तो शऊर हो जाता है उसमें से निकाल दें तो शोर हो जाता है जितने शऊर था जिनके पास उन्होंने जो तारीफ की सूबाई वजीर नासिर शाह चवा है तो जैसे अर्तुगरुल के ड्रामे के हकीकत आए कोरोना के ड्रामो समझो वो तो वायरस जो वधण अंटर हो सरहदू सील क्यों वन हाँ तो मुल्क में कोरोना वायरस की पखेड़ रुक वे हाँ असा राशन ये पहुंचाया जो कें खबर न पई एहसास प्रोग्राम जिया मेड़ करे कोरोना फैलानो न हो शोर बदरा शौर रखंदड़ धुरिन त सिंध सरकार के कदम की सराह कई है
ओ भाई यहाँ मैं खड़े होके पहले तो ये चैलेंज करता हूँ, मुझे बताओ मैं 2 महीने कोरोना का सेंटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंटर लुक आफ्टर करता रहा हूँ, कोई तुम में से आया है मुझसे पूछने? कोई आया? मैंने किसी को मना किया था? पूरे पाकिस्तान में सबसे पहला लेबर कॉलोनी सखर का सेंटर बनाया गया और वो भी सिंध गवर्नमेंट ने बनाया। कहाँ गए वो 20 लाख राशन बैग? कल नैब भी पूछेगी आपसे। मैं आज हाथ जोड़ के आपको अपील करता हूँ, खुदारा इस बयानबाजी और मुनाफत को इस वक्त छोड़ दें। सिंध के सबसे बड़े क्वारंटाइन सेंटर में खाना तो आप फराम कर नहीं सके, क्या ये हकीकत नहीं है कि आप ही की पार्टी के मेयर? शाह साहब प्लीज आप जाइए मत, आपको भगाने का मेरी नीयत नहीं थी। सखर शहर के मेयर ने खुद इन्हीं एनजीओस के साथ राबता करके, क्या उन्होंने जफर भाई और जेडीसी से राबता करके नहीं उनसे गुजारिश की कि खुदारा आप आओ और हमें राशन फराहम करो सखर शहर में? मैं पूछता हूँ क्यों? कहाँ थी आपकी हुकूमत, कहाँ थी आपकी रियासत? क्या ये गवर्नमेंट का काम नहीं है? तनकीद कंदड़ बुधाइन त सखर में पाकिस्तान के सब का वे करंतीना सेंटर से छो न आया। सिंध असेंबली में सूबाई वजीर अवेद शाह दावा कई है तो लेबर कॉलोनी वे करंतीना सेंटर से समूरियों सहूलतू डनियो व्यों वो 2 महीनों तीन सेंटर की निगरानी कह रो। जीडीए एमपीए हसनैन मिर्जा हुकूमत के हथ बधी अपील कई है तो इन वक्त मुनाफ़त ए बयानबाजी छड़े अमली तौर कम किया वे। बदीन में वरहन का रखल वेंटिलेटर अजा तीन फाल न थी सकिया। सखर के करंतीना सेंटर से भी इलाज ए राशन एनजीओ दियन तो हुकूमत कड़ो कम कर रही है। सुभा नैब पे राशन विधायण जो पुछाणो कह एमपीए गजाला सियाल तो वजीर आजम की पॉलिसी रुगो ओपोजिशन के डंडो दियण है। संदस बयान से ओपोजिशन मेंबर्स में टहकड़ा पेजी व्या। अफसोस हुआ केस संगीन मसले को भी सियासत की नजर करने की कोशिश की गई। एक अनिल कपूर नजर आया हमें एक्टिंग करते हुए, हर जगह जाते हुए जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा है। करना कुछ नहीं है, बस आके अनिल कपूर बनना है, ये जैसे कोई फिल्म हिट हो गई। ओ भाई जिस मूवी की तुम बात कर रहे हो, चलो अनिल कपूर तो वजीर आला बन गया, वजीर आजम बन गया, उसने काम कर लिया, लोगों के लिए काम कर लिया, उसमें अमरीश पुरी भी था, वो अमरीश पुरी कौन है? आए बुधो है तो सिंध असेंबली में अनिल कपूर एक्टिंग करने वो है। सिंध असेंबली के इजलास में कोरोना की सूरत हाल से बहस दौरान पीटीआई एमपीए अरसलान ताज तरफा गैर पार्लियामानी लफ्ज गालण से सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला चिड़ी पो ऐवान में गैर पार्लियामानी बोली गालण का पासो किया वे। सूबाई वजीर अवेद शाह है अरसलान ताज जै फिल्म की गाल कई उन में अनिल कपूर वो वजीर थो पर उन में अमरीश पुरी भी हो, खेस यो भी याद करें घुर्जे। नाज़रीन हेडलाइंस हम रटियूं बुलेटिन के आगाज में।